सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एंड आज 28 तारीख है और जो है कह सकते हैं कि हमारी जो नई क्लासेस है, मतलब कि मेरा पहला दिन होने वाला है ये थर्ड सेम के सेकंड क्वार्टाइल का। एंड हम काफ़ी एक्साइटेड हैं उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है क्लासेस के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। और हम रूम टूट लेते हैं, एक रूममेट हमारा सो रहा है, एक कुछ कर रहा है लैपटॉप पे मैंने काम। मनमोहन हाय। हाय ब्रो। एंड अभी हम अपने लिए बनाएंगे एक अच्छी सी चाय, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लगे हाथ ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो है ऐसी इंडक्शन चलती है, अगर आप आ रहे हो इंडिया से तो ये लेके आ सकते हो ऐसी इंडक्शन। Now it's came in glass and now we'll enjoy it. After that, I have to brush and all, and then bath, and then I have to go for classes. So guys, finally जो है हम ready हो चुके हैं और क्या है कि बाहर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ठंड तो काफ़ी होगी। एंड ब्लॉगिंग के चक्कर में थोड़ा लेट भी हो चुके हैं, अभी 8 बजे तक पहुंचना, अभी 7:55 हो रहा है। चलिए कोई नहीं, वैसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि 5-10 मिनट टीचर लेट ही है, क्योंकि आते हैं अक्सर, पता नहीं अभी ये टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो टाइम पर आए तो गलत बात। और आज सेल बायोलॉजी की क्लास है 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक, फिर 9:30 से 9:50 का ब्रेक है 20 मिनट का, फिर 9:50 से 11:20 फिर है सेल बायोलॉजी की क्लास। तो आज सिर्फ और सिर्फ सेल बायोलॉजी की क्लास है, 11:20 को हम फ्री हो जाएंगे आज। अच्छी बात है, सुबह जल्दी क्लासेस लग गई, शाम तक बिल्कुल। सेल बायोलॉजी में मैंने अपने जो दोस्तों जिनकी पहले सब्जेक्ट लग चुके सेल बायोलॉजी, उनसे मैंने पूछा, इसमें सिर्फ पीपीटी होती है, मतलब आपको पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है क्लास में, एक्सप्लेन करना पड़ता है। आज तुम्हारी पहली क्लास है, देखते हैं क्या कहती है टीचर। आई होप सो कि हमारी जो टीचर हो उतनी लाइट हो, उतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है तो उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना इस पर। Now we are ready. Our shoes also. So guys, finally हम पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं एंड जैकेट भी पहन लिए हमने। फाइनली जो बचा रहेगा एप्रॉन लेना रहेगा। So let's go guys. So हम निकल चुके हैं। राष्ट्रपति है। आपको क्या लगता है उसे? कुछ आते हैं सब सुबह आते हैं ना कोई जो? ना ना। YouTube. Oh my god, I'm here.
Hey bro, क्या हाल चाल? Coming in vlog. हॉस्टल देख रहे हो, ये बिल्डिंग देख रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा ये हॉस्टल? सो ये जो बिल्डिंग है ये एक्चुअली सेकंड हॉस्टल का जो है पीछे वाला पोर्शन है, एंड इस पर कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. सो लेट्स सो ठंड उतनी ज़्यादा भी नहीं है, मैनेजिएबल है, इससे मैनेज हो गई. ठीक ठाक ठंड है, ऐसे रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं. एंड वी आर ऑन द वे टू एट्स आवर क्लासेस. सो अभी मैं आपको दिखाऊँगा डीन्स ऑफिस. सो ये जो आप देख रहे हो ये जो बिल्डिंग है ना, ये साइड में कहाँ मैं चल रहा हूँ. सो ये जो है ये डीम्स ऑफिस है. यहाँ पे जो भी काम है आपकी क्या कहते हैं उसे, वीज़ा एक्सटेंशन हुआ और भी नॉर्मल. ये रहा इसकी जो एंट्री गेट है, दिस वन. सो ये डीम्स ऑफिस है. एंड जो भी हुआ वीज़ा एक्सटेंशन का प्रोसेस या कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, या फिर आपका यहाँ आना हुआ तो जो भी चीज़ें हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ पे होता है. ठीक है, इंस्पेक्टर्स बैठते हैं यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स के, तो वो आपको बताते हैं जो जो जितने भी आपके एजुकेशनल डेप्थ्स हैं वो आप यहाँ से जाके पता कर सकते हैं. मतलब सारी चीज़ें ये मतलब छुट्टियों में भी काम करता है लगभग ये डीन्स ऑफिस जो है. मतलब छुट्टियों मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, बट वैसे जो है मतलब नॉर्मल छुट्टियों वगैरह में भी काम करता है. ये रहा जो हमारा बायोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसी के अंदर हमें जाना है. ये एक्चुअली यहाँ पे रशियन डिपार्टमेंट और बायोलॉजी डिपार्टमेंट है. इसके अंदर नंबर 2 की बिल्डिंग है, एंड हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं. रूम नंबर 40 में जाना है हमें. कहाँ है ढूंढते हैं रूम नंबर 40. ये है 24. एक्चुअली आज पहली क्लास है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस रूम नंबर पता और कहाँ आना है वो पता. ये जो है ये रहा रूम नंबर 40 के अंदर. Subject cell biology. My name is Tatiana Vladimirovna. Them with you very okay, understand? Yes, yes, yes. Well, in this discipline we will have 8 lesson today, 1 lesson. At each lesson we will analyze a number of questions on the topic of the lesson. You also need to split into 3 and 4 people and prepare for classes in groups. Understand? Okay. Okay. We catch up, okay? Transcription. Okay. RNA polymerase down on promoter. Yes. Yes. What is RNA polymerase? Enzyme. Yes. Functions. RNA polymerase. So guys, सारे 9 बज चुके हैं और अभी जो हमें ब्रेक मिला हुआ है. अभी हम पार्क वगैरह भी घूम के आए थे. अच्छा लगता है. 10 मिनट का ब्रेक है, 9:50 तक ब्रेक है, उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी. ये कैंपस है कुछ, अगर मैं दिखूँ कैंपस ही क्या दिखाऊँ, ये फ्लोर जो है वो. एंड आज क्या हुआ क्लास में कि आज
वो क्या बोलते हैं सेल बायोलॉजी, बेसिकली उन्होंने पीपीटी रिप्रेजेंट किया कि वो मैं वीडियो में डाल भी दूँगा, कुछ वीडियोज़ भी मैंने बनाई है, तो पीपीटी में था कि व्हाट इज जीन स्ट्रक्चर एंड ऑल, सो वही सारी चीज़ें हुई एंड हमने बताया कि हाँ क्या होता है जीन का स्ट्रक्चर और क्या होता है एक्सॉन, क्या होता है इंट्रॉन, क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछ रही थी। और बाकी बोली कि चार चार बंदों का एक ग्रुप बना लो, उसमें जो है आपको हम प्रोजेक्ट देंगे, तो उस हिसाब से जो है आप प्रोजेक्ट बनाना और फिर जो चेक पॉइंट होंगे आपके उसमें आपको रिप्रेजेंट करना और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने ग्रुप बनाया चार बंदों का, मैं हूँ, अभिजीत, तान्य और पवित्रा ने एक मिलके ग्रुप बनाया, तो मिलके काम करेंगे। एंड चलिए अब क्लास में चलते हैं, अभी पार्क से ही आ रहा हूँ मैं, तो सब एक मिनट लगा दो थोड़ी सी क्लास में देख लेते हैं क्या चल रहा है। हाय गाइस, यू ऑल आर कमिंग इन माय व्लॉग, हाउ आर यू? वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन योर व्लॉग, थैंक यू। ओके, सो शी इज दिया एंड ही इज अभिजीत, और हम दोनों ने मिलके ग्रुप बनाया, ये अभिजीत में बताया था ये, एंड अभी ब्रेक मिला हुआ है, सब गए हुए हैं पता नहीं चिल करने, कोई कमीशन है कल, केमिस्ट्री का CP4 बचा है, कल बहुत सारे मेरे दोस्तों का कमीशन है, अच्छा हुआ मेरा निकल गया CP4 लास्ट अटेम्प्ट में, तो अभी बच्चे सब गए हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, क्लास में कोई रुका नहीं, ब्रेक होते ही चले गए। कमीशन है, मैम कतरीना ले गई कमीशन, डीन होंगे, वाइस डीन होंगे, अदर रिप्रेजेंटेटिव हो गए डीन ऑफिस के, HOD हो गए, मेडिकल केमिस्ट्री के असिस्टेंट टीचर होगी हमारी जो टीचर है, एसोसिएट प्रोफेसर कतरीना मैम वो भी होगी शायद, लेकिन बच्चे नहीं लगता कि कमीशन में फंस जाएंगे, सारे निकाल लेंगे कमीशन क्योंकि पढ़ लिया है वैसे तो, छोटी मोटी मिस्टेक होती थी जो रिटर्न में होता था, कॉन्सेंट्रेशन में जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाना था ऐसा ब्रैकेट बना देते थे, थोड़ा मोटा गलती, और मैम को सीधा एकदम एक्यूरेट चाहिए था, लेकिन कमीशन में ईजी पास होंगे क्योंकि उधर ओरल देते हैं, वाइवा होता है, तो कमीशन में कोई मतलब फेल नहीं होगा, सारे हमारे साथ ही पढ़ेंगे, हम साथ मिल के आगे जाएंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। और रही बात BNR का एग्जाम, तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, थैंक यू सो मच। डराओ बच्चे को और डराओ, कोई नहीं आएगा यहाँ पे फिर। सो गाइस, ये जो था ये एक मजाक था, कमीशन अभी नहीं है, कमीशन होगी एक दो महीने बाद, एक दो महीने बाद जो है वो होगी कमीशन, एंड अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस मजाक चल रहा है, सब मस्त से पढ़ाई कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ है, पढ़ाई भी करो एंजॉय भी करो, एंड चलिए रखते हैं। गाइस अभी जो है वो क्लासेस ख़त्म हो चुकी है, अभी हमारी सेल बायोलॉजी की क्लास ख़त्म हुई, नेक्स्ट क्लास है फिजिकल कल्चर की, स्पोर्ट्स की, 3 बजे से है, सो चलिए मिलते हैं बाद में। फिजिकल कल्चर की क्लास है 3 बजे से, 3 से कितने बजे तक है? 5:30 बजे तक, तो आ चुके हैं हम फाइनली, अरे वो जो सर आ गए हैं, और क्योंकि नया बोला तो हमें पता भी नहीं है कि कहाँ है रास्ता, अपने साथ चेंज हो गया जगह, ऐसा है मैडम ओल्गा, इधर है मैडम ओल्गा, बहुत सारी यहाँ स्पोर्ट्स की टीचर है ना, तो इस मतलब कौन कहाँ पे है, अभी क्वार्टर चेंज हुआ है तो जगह भी चेंज हुई है, तो इसके लिए इतना अंधेरा क्यों है? Ha ha ha.
सोया हमारे अभी किचन में जाके खेलते हुए। चलो चलो।